बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि गंदम कौन से एकसाम की काश्त की जाए और कौन से एकसाम की नहीं की जाए। पहले नंबर पे तो जिसका जिक्र करेंगे वो है अकबर और दिलकश वैरायटी। अकबर और दिलकश वैरायटी जो है वो पाकिस्तान में, पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी काश्त देखी गई है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। तो मैं तो यही बात करूंगा कि सबसे पहले तो इसी की काश्त की जाए। 10 वराइटियाँ अगर रख ली जाए ना, तो 10 वराइटियों से के अंदर ना इसकी काश्त सबसे बेहतरीन और अच्छे आला दर्जे की वैरायटी है, बड़ी अच्छी काश्त मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो वैरायटी है उसका नाम है निशान 21 और चैम्पियन 23। ये जो दो वैरायटी हैं ये भी बेहतरीन, अच्छी और आला किस्म है पड़ी। इसकी भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ये दूसरे नंबर पे हम जो जिसका हम नाम ले सकते हैं दूसरे नंबर पे, वो ये वही वैरायटी है निशान 21 और चैम्पियन 23। तीसरे नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो लाग वैरायटी भी बहुत अच्छी है और इसका भी काफ़ी अच्छा मोटा तना होता है लंबे, और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी भी मानी जाती है। ये चलते चलते थकने वालों में से नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी आगे जा रही है। जैसे दिलकश वैरायटी है बड़ी, वैसे ही ये बोरलाग है, तो इसका भी जो है ना आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और अब हम बात करेंगे सादिक 2021 के बारे में। सादिक 2021 को भी लगाएं और बेहतरीन भरपूर फ़ायदा उठाएं, तो ये भी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन इसकी भी काश्त की जा सकती है। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है पड़ा इसका, जो पिछले साल भी देखा गया है। और पिछले साल तो काफ़ी जो है ना एड पकाई के दौरान ठंडा मौसम हो गया था, इसलिए काफ़ी जो है ना जैसे मिसाल देते हैं आपको सबानी की, और वो भी जो है उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा उठा लिया था पिछले साल, तो क्योंकि पकाई के दौरान ये ठंडा मौसम हो गया था और अगर गर्म रह जाता तो ये सुस्त हो जाता है, इसका बिल्कुल ही छोटा सा दाना हो जाता और बिल्कुल ऐसे इकट्ठी हो जाती है ये सबानी। बहरहाल पिछले साल तो इसका भी अच्छा रिजल्ट हुआ है, इस साल वो नहीं होना। इस साल जो है हमें देख के और अच्छी किस्म को कास्ट करना चाहिए, इस साल देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी कास्ट करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। और पांचवे नंबर पे जो जिसकी हम बात करेंगे वो है अजरक डेरा। और अजरक डेरा जो है ये कोई आम वैरायटी नहीं है, ये बेहतरीन और अच्छी आला दर्जे की वैरायटी है। इसका बहुत ही जो है अच्छा रिजल्ट है पड़ा, इसको हम पंजाब में भी कास्ट कर सकते हैं, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां, इस साइड में भी इसकी कास्ट होती है और बहुत अच्छी और बेहतरीन कास्ट होती है। और जितनी भी है पड़ी उसका मैं नहीं कहूँगा कि जैसे अरूज हो गई, बस नाम ही रह गया अरूज, बस वो अरूज पे जाने वाली नहीं रह गई, अब वो थक चुकी है, वो बैठ गई है, उसको ना ही कास्ट करें तो अच्छा है। और फतरे बकर और बकरे स्टार ये भी जो है थक चुकी हैं चलती चलती, अब इनकी वो नहीं रह चुका, वो दाना मोटा नहीं रह चुका और वो वैरायटी नहीं रह चुकी, अब ये जो है ना ये नाकामयाब हो चुकी हैं, इतनी कामयाब नहीं है, तो मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। काफ़ी जो है ऐसे और नई नई जो है वैरायटियाँ निकली हुई हैं, कुछ तो ऐसी इकसाम है पड़ी जिनका जो है ज़रात ने बोला भी नहीं है कि इनको कास्ट की जाए या नहीं की जाए, और लोग कास्ट कर रहे हैं और वो जो सीड वाले इनकी जो है काफ़ी नुमाइश करके बेच रहे हैं। और ये इसका मोटा सिट्टा होता है, लंबा सिट्टा होता है, इसका अच्छा दाना होता है, मोटा होता है, तो ऐसे इन चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना और ध्यान से सोच समझ के फैसला करना है कौन सी कास्ट करें, किस चीज़ की कास्ट करें, ये आपने देख लेना है और ये सोच लेना है। फिर ये ना कहना कि किसी ने हमें मशवरा नहीं दिया था, कि किसी ने हमें सलाह नहीं दी थी, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो बस यही बात करते हैं कि हाँ हमें तो कोई सलाह देने वाला था ही नहीं, हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं था, हमें तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। तो ऐसा ना कहना, ऐसा ना करना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। ये जो सी वैरायटियाँ मैंने बताई हैं, इनमें से जो भी वैरायटी आप इस्तेमाल करोगे तो यकीनन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ज़रूर जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाओगे और अच्छी कमाई होगी आपकी।
तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास बराबर पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।